गर्मी शुरू, एसी चालू, अच्छा लगता है ना? किसको नहीं अच्छा लगता भाई। एयर कंडीशन में रहने के बहुत सारे फायदे हैं। जी हाँ, बहुत सारे फायदे हैं। पर ध्यान रखें, जो कंफर्ट हमें मिल रहा है उसकी वजह से कहीं हमको कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा हमारे शरीर को, हमारी जेब को या हमारे वातावरण को? तो आइए ये सब देखते हैं इस वीडियो में। पहले एयर कंडीशनिंग को समझते हैं। एयर कंडीशनिंग का मतलब है एक लिमिटेड जगह में अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ बदलाव लाना। एयर कंडीशनर के तीन मुख्य काम होते हैं, एयर फिल्टर करना, नमी या मॉइस्चर को कम करना और टेम्परेचर में बदलाव लाना। यह सब काम एक केमिकल द्वारा होते हैं जो एक गैस को लिक्विड में बदलते हैं और इसी प्रक्रिया को जल्दी से वापस भी करते हैं। इसमें सिर्फ टेम्परेचर कम या ज्यादा करने के लिए कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, बाकी दो फंक्शंस के लिए नहीं। पहले हम एसी से होने वाले फायदे या किन लोगों को ये अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए के बारे में जानते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप बंद कमरे से गर्मी और मॉइस्चर यानी कि नमी को बाहर निकाल रहे हैं। अब अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो आपके लिए अच्छा है अंदर रहना ताकि सनबर्न या हीट स्ट्रोक से बच सकें। आपने कभी सोचा है हॉस्पिटल में आईसीयू को हमेशा ठंडा क्यों रखा जाता है? और सारा साल चाहे गर्मी हो या सर्दी आईसीयू का टेम्परेचर ठंडा ही रहता है। आईसीयू में सीरियस पेशेंट्स ही जाते हैं, फिर भी पेशेंट को एक पतला सा ब्लैंकेट दिया जाता है। तो एसी का सबसे बड़ा फायदा हुआ कि एसी से मिलने वाली हवा साफ होती है और उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हॉस्पिटल में ही नहीं, घर में अगर किसी को अस्थमा या सांस लेने की तकलीफ हो तो उसके लिए एसी अच्छा है। कम टेम्परेचर में कीड़े मकोड़े व पेरासाइट्स नहीं पनप सकते। जिनको त्वचा की कोई बीमारी जैसे खारिश या खुजली होती है उनके लिए एसी की ठंडी हवा रिलीफ देती है। कुछ लोगों को पसीना बहुत आता है, उनके लिए एयर कंडीशनर वरदान साबित होता है। एयर कंडीशन में कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करने में या किसी दूसरे काम में फोकस करने में मदद मिलती है। एयर कंडीशनर से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और घर ऑफिसेस में कंप्यूटर या किचन में दूसरे काम आने वाले डिवाइसेस से भी जैसे ओटीजी, माइक्रोवेव वगैरह से निकलने वाली गर्मी को बेअसर करता है और वो जल्दी खराब नहीं होती। अब देखते हैं कि एसी चलाते समय किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। लंबे समय तक उस हवा में रहना जिसमें नमी कम है हमारे शरीर से नमी निकाल देती है। इसकी वजह से स्किन ड्राई हो सकती है, नाक के अंदर की स्किन, नाक के अंदर का गीलापन, मुंह में थूक में नमी की कमी हो सकती है। इस ड्राईनेस की वजह से शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। हमारे नाक व मुंह की नमी एलर्जी दूसरे कीटाणुओं को अंदर नहीं जाने देती। हालांकि एयर कंडीशन की ठंड में एलर्जी के कीटाणु कम होते हैं, पर अगर आप किसी वजह से कुछ मिनट के लिए भी किसी कारण से बाहर जाते हैं तो आपको एकदम एलर्जी का अटैक हो सकता है, क्योंकि नाक व मुंह में रोकने के लिए जरूरी नमी नहीं है। अच्छा होगा अगर आप जिस कमरे में एसी में हैं उसमें एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में पानी डाल कर रख दें। जब पानी इवेपोरेट होगा तो नमी का कुछ स्तर बढ़ जाएगा, या आप एक ह्यूमिडिफायर भी खरीद सकते हैं। एक और जरूरी पॉइंट, अगर एसी के कूलिंग पार्ट में फिल्टर को समय समय पर साफ नहीं किया गया तो निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ये सांस के साथ आपकी श्वास नली द्वारा होते हुए फेफड़ों तक जा सकते हैं और निमोनिया तक हो सकता है। अगर आप एयर कंडीशन्ड कमरे से बाहर खुले में जाना चाहते हैं तो कम से कम एक या आधा घंटा या एक घंटे पहले एसी को बंद कर दें। अचानक शरीर के तापमान में बदलाव से कई समस्याएं हो सकती हैं। प्रयास करें एकदम एसी से धूप या ज्यादा गर्मी में अथवा बाहर से एकदम ठंडे वातावरण में न आएं। एसी का सही टेम्परेचर हमारे शरीर के लिए कितना होना चाहिए? इंसान के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बाहर का टेम्परेचर इससे अधिक या कम है तो शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम इसको अपने आप 37 डिग्री पर बनाए रखता है। यह साबित हो चुका है कि 24 डिग्री एक कंफर्टेबल टेम्परेचर है जिसमें शरीर को 37 डिग्री पर बनाए रखने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। पर अगर एसी का टेम्परेचर जितना कम होता जाएगा शरीर को उतना ही ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा 37 डिग्री तक बनाए रखने के लिए। इसके अलावा अगर हम एसी का टेम्परेचर कम करके 18 या 16 डिग्री तक ले जाते हैं तो कंप्रेसर पर लोड 35-40% तक बढ़ जाता है, उसकी लाइफ भी कम हो जाती है और बिजली का बिल उसी रेशियो में बढ़ जाता है। जिनको 24 डिग्री कंफर्टेबल नहीं लगता उनको चाहिए एसी 18 या 16 डिग्री चलाने के बजाय 24 डिग्री पर चलाएं और साथ में हल्की स्पीड पर पंखा भी चलाएं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ और भी समस्या बढ़ सकती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, लंग कंजेशन। ब्लड प्रेशर ठंडे वातावरण में गर्म वातावरण के मुकाबले हाई होता है, क्योंकि ठंड में खून की धमनियां सिकुड़ जाती हैं। यह किसी भी उम्र में हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी बंद जगह जैसे कि घर या हमारे काम करने के स्थान में गर्मी में 24 डिग्री से कम और सर्दियों में 23 से ज्यादा शरीर के बाहर का टेम्परेचर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब हम विचार करते हैं एसी का प्रभाव हमारे वातावरण पर। किसी भी बिल्डिंग के बाहर जहां काफी सारे एसी लगे हैं, वहां का वातावरण काफी गर्म होता है। हर साल हजारों लाखों नए एसी खरीदे और लगाए जाते हैं। अब एसी एक लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गए हैं। जब इतना कुछ होगा तो ग्लोबल वार्मिंग पर इसका इम्पैक्ट तो आएगा ही, यह एक सोच का विषय है। सीनेजर क्लब के एक सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला 1.5 टन का एसी 24 डिग्री पर चलने पर एक घंटे में लगभग 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ता है। 8 से 10 घंटे के एवरेज इस्तेमाल में यह 8 से 10 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हवा में भेजेगा और हम सब जानते हैं कि यह गैस वातावरण को दूषित करती है। हर 1 डिग्री टेम्परेचर कम करने पर कंप्रेसर पर दबाव बढ़ेगा और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाएगी। सीनेजर क्लब के इस वीडियो में हमने आपके साथ जानकारी शेयर की है एसी के बारे में। अब आप पर निर्भर करता है इसे कैसे चलाएं, कब चलाएं और कितनी देर चलाएं। हमें पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।